आपकी पत्नी है, सब लिखा हुआ था। लेकिन जब वो बाबा के बच्चे बने तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं और जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी जन्म पत्री भी चेंज हो जाती है। इसलिए बाबा कह रहे कि जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कुछ कुछ चीजें बोल देंगे वो, फिर वही चलता रहेगा मन में। बाबा सब कुछ बता देते हैं, वहां आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं, इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो यह बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर कह नहीं सकते, तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। ठीक है, बाबा ने क्या कहे, आज बाबा ने कहे कि हम बच्चे ही ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरी, फिर जाकर राजेश्वर भी तुम ही बनते हो।